हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो आज हम अगेन MPL पर 250 वाला गेम प्ले लेके आए हैं। गेम प्ले मस्ट रहने तक वॉच करना। अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके गाइस, बात करते हैं इस गेम प्ले की। हमारे पास 4-4 का सेट अरेंज हो सकता है, 6 और 7। अगर ओपन डैश 8 आता है तो हमारी सीक्वेंस अरेंज हो सकती है और हम प्ले भी कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। राइट प्लेयर देखते हैं प्ले करता है फिर ड्रॉप। ओके, ये बंदा प्ले कर रहा है, सो हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं एंड डीलर देते हैं। प्ले करता फिर ड्रॉप। ओके, ये बंदा प्ले कर रहा है, सो हम बैट स्किप करते हैं, देखते हैं कौन बंदा डिक्लेयर करता है। ओके, सो फाइनली गाइस लेफ्ट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है एंड जो राइट प्लेयर है, इस बंदे के साथ तो कुछ गलत ही सीन हो जाता है क्योंकि ये बंदा 80 पॉइंट से डायरेक्ट लॉस हो जाता है। इस बंदे के मुझे ये बात समझ नहीं आई, वन जॉकर से कौन प्ले करता है भाई? अगर आपके पास वन जॉकर है, प्योर सिक्वेंस नहीं है, तो बेसिकली आप ड्रॉप ही कर दो भाई, रिस्क क्यों ही लेना। खैर कोई नहीं, अब लग गए इस बंदे के पॉइंट। सो गाइस अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इस बार हमारे पास काफ़ी ओपी कार्ड है। प्योर सिक्वेंस है, 2 जॉकर हैं, सो डिक्लेयर करने के लिए ओनली 2 वैलिड कार्ड चाहिए गाइस। ओके, ये बंदा हर्ट एस डिस्कार्ड करता है, पिक नहीं करेंगे, क्लोडेक्स से कार्ड पिक करते हैं गाइस। एंड हमारे पास डायमंड 7 आ चुका है, सो हम हर्ट में 8 को डिस्कार्ड कर देते हैं एंड देखते हैं कौन कौन बंदा प्ले करता है। लेफ्ट प्लेयर ड्रॉप कर देता है, डीलर भी ड्रॉप कर देता है। ओके, और ये 80 पॉइंट वाला बंदा हर्ट 8 को पिक कर लेता, भाई गलत सीन हो गया। ओके, शायद सीक्वेंस रेडी की होगी इस बंदे ने। राइट प्लेयर देखते हैं कौन सा कार्ड निकालता है। ओके, हर्ट 8 के अकॉर्डिंग डायमंड 9 डिस्कार्ड किया बंदे ने, सो हम पिक नहीं करते हैं एंड हमारे पास क्लब 10 आ चुका है, सो हम इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये बंदा अगेन पिक कर लेता क्लब 10 कोई, और डायमंड 7 डिस्कार्ड करता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इस बंदे ने क्लब 7 पिक किया, शायद सेट रेंज किया होगा 10 का भी। सो हमारे पास क्वीन आ चुकी है, सो हम इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि जे जोकर है, सो 10 10 का बंदा सेट अरेंज कर रहा होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से तो। लेट्स सी बंदा कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है। राइट प्लेयर तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा रहा है, मुझे लग रहा है इसकी सीक्वेंस अरेंज नहीं हुई या फिर ये कुछ ज़्यादा ही प्रोनेस दिखा रहा है मुझे। ओके, हर्ट 10 पिक नहीं करेंगे, क्लोडेक्स से कार्ड पिक करते हैं गाइस। एंड हमारे पास स्पिट्स में 7 आ चुका है, सो हम निकाल देते हैं क्लब में 4 को। सो फाइनली गाइस डिक्लेयर करने के लिए ओनली 1 वैलिड कार्ड चाहिए। अगर स्पिट्स में किंग या फिर हर्ट में डायमंड में 2 या फिर स्पिट्स में 3 आता तो हम डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इस बंदे ने डायमंड किंग निकाला। चलो कोई, हम लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं एंड हमारे पास देखो डायमंड 4 कब आया, जब हमने स्पिट्स में 4 को डिस्कार्ड कर दिया था, सो हम डायमंड 7 को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि 9 निकल चुका है। सो बंदा देखते हैं 7 के अकॉर्डिंग शायद 6 निकाल दे स्पिट्स में, अगर स्पिट्स में 6 निकाल देता तो हमारी सीक्वेंस रेडी करके डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये बंदा डिक्लेयर कर देता है और हमारे यहाँ पे 8 पॉइंट लग के ओवरऑल 28 पॉइंट हो चुके हैं। लेकिन गाइस राइट प्लेयर के साथ भी कुछ गलत ही सीन हो गया, इस बंदे के 64 पॉइंट लग जाते हैं भाई साहब, गलत सीन हो गया इस बंदे के साथ तो कुछ ही। और इस बंदे के पास 2 जोकर थे लेकिन प्योर सिक्वेंस अरेंज नहीं कर पाया ये बंदा। चलो कोई ना, हमारे लिए तो काफ़ी एडवांटेज है, इस बंदे के पॉइंट लगेंगे तभी तो हम विन बनेंगे ना। ये देखो गाइस डायमंड किंग चाहिए था, हर्ट में 5, स्पिट्स में 6, क्लब में 8, डायमंड में 8। वैलिड कार्ड तो काफ़ी सारे थे लेकिन बंदा प्योर सिक्वेंस रेडी नहीं कर पाता। सो गाइस कार्ड आते हैं, हम ड्रॉप कर देते हैं और हिस्ट्री चेक करते हैं, और ये बंदा 10 10 का सेट अरेंज कर रहा था और इस बंदे के पास वैलिड कार्ड तो काफ़ी सारे थे लेकिन प्योर सिक्वेंस रेडी नहीं होते। सो हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं एंड बैट स्किप करते हैं, देखते हैं कौन बंदा डिक्लेयर करता है। सो फाइनली गाइस अगेन 80 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है एंड जो
84 पॉइंट वाला बंदा ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इस बंदे के 28 पॉइंट लग जाते हैं, क्योंकि इस बंदे के पास जोकर भी नहीं था, तो इस बंदे का एलिमिनेट होना तो पक्का तय था। चलो एक बंदा तो एलिमिनेट हुआ। सो गाइस अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एंड इस वाली कार्ड देखो ओनली इनवैलिड कार्ड है, एस एस का सेट रेंज हो सकता है, बट हम ड्रॉ कर देते हैं। एंड ये बंदा सेवन सेवन का सेट रेंज कर रहा था जिसने डिक्लेयर किया, इसके पास वन जोकर था, उस बंदे के पास जोकर नहीं था। लेकिन गाइस देखो 80 पॉइंट बंदा अगेन विनर बन जाता है भाई, सभी ड्रॉ भी कर देते हैं, किसी के पास कार्ड नहीं आते। चलो कोई ना, अगर हमारे पास अच्छे कार्ड आए ना, हम ही एलिमिनेट करेंगे इसको। तो सो गाइस अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इस बार कार्ड तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन प्योर सिक्वेंस नहीं है। आई थिंक प्योर सिक्वेंस तो रेंड कर लेंगे, जे जे का सेट रेंज हो सकता है, डायमंड 5 आ सकता है, डायमंड 8 आ सकता है। ओके ये बंदा हर्ट में क्यों डिस्कार्ड करता है, पिक नहीं करेंगे। एंड हमारा पास हर्ट जे आ चुका है, हम जे जे का सेट अरेंज कर लेंगे। सो हम निकाल देते हैं हर्ट में एस को, और ये बंदा लेफ्ट प्लेयर ड्रॉप कर देता है, डीलर देखते हैं प्ले करता है फिर ड्रॉप। ओके ये बंदा ड्रॉप कर देता है। सो अब देखते हैं ये बंदा हमारी सीक्वेंस रेडी करवाता है या फिर हमें एलिमिनेट करता है। भाई टाइम तो काफ़ी लगा रहा है, 9 पिक नहीं करेंगे, क्लोट ऐसे कार्ड पे कर देंगे गाइस। ओके जे जे का हम सेटअप ब्रेक तो नहीं करेंगे। ओके हमारी सीक्वेंस अरेंज हो चुकी है, तो हम निकाल देते हैं हर्ट में 5 को, क्योंकि हमने 3 को इस वजह से होल्ड रखा है, क्योंकि डायमंड 4 आ गया और 6 के साथ हमारी सीक्वेंस रेडी हो जाएगी 3 4 5 के साथ, और हम डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके बंदा फॉलो करने लग रहा है इस बार तो। ओके सो फाइनली गाइस हमारे पास 3 आ चुका है, हम सेट रेडी कर लेते हैं एंड स्पीड से 4 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश, और ये बंदा डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हमने इसको बोला था कि इस बार इसको एलिमिनेट करेंगे ही करेंगे, और ये बंदा देखो गाइस डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। अब इन दोनों बंदों का नया एलिमिनेट बाकी है। सो गाइस अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इस बार कार्ड तो हमारे पास क्रेडिट थोड़े कम है, लेकिन हम प्ले जरूर करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे 88 पॉइंट हो जाएंगे, और फ्यूचर में हमारे पास ड्रॉप करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। सो हम प्ले तो करेंगे ही करेंगे। ओके स्पिट्स में 6 निकालता है ये बंदा, पिक नहीं करेंगे, क्लोट ऐसे कार्ड पिक करते हैं, एंड हमारे पास स्पिट्स में क्वीन आ चुकी है, तो हम हर्ट में किंग को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि डबल क्वीन है, सो हमने इस वजह से होल्ड रखा है इस बार तो। और देखो गाइस 10 कहाँ पर निकल रहा है, जो कि हमको चाहिए था, ये हर्ट क्वीन डिस्कार्ड करता है, और देखो गाइस क्वीन पे क्वीन आई जा रही है हमारे पास, तो बस हमारी गलती से प्योर सीक्वेंस अरेंज हो जाए, हम यही चाहते हैं, नहीं तो हमारे डायरेक्ट 62 पॉइंट लग के हम एलिमिनेट हो सकते हैं। ओके क्लब 4 डिस्कार्ड करता है बंदा, सो पिक नहीं करेंगे, क्लोट ऐसे कार्ड पिक करते हैं, एंड हमारे पास हर 10 आ चुका है, सो हम अगेन स्पेस में क्वीन को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि 10 निकल चुका है। आई थिंक जिस बंदे ने पिक किया 9 10 और जे के साथ इसके सीक्वेंस रेडी की होगी, सो हमारे पास जे तो आ नहीं सकता, सो हम क्वीन को डिस्कार्ड कर देते हैं इस वजह से। हर्ट 2 पिक नहीं करेंगे, क्रोटर से कार्ड पिक करते हैं, एंड अगेन गाइस हर्ट 10 आ चुका है, सो हम हर्ट 10 को डिस्कार्ड कर देते हैं, ओनली प्योर सिक्वेंस चाहिए गाइस। अगर प्योर सिक्वेंस रेडी हो गया तो हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, नहीं तो लग जाएंगे हमारे डायरेक्ट 62 पॉइंट, और हम एलिमिनेट हो सकते हैं डायमंड 4। ओके किंग देखो भाई कब आया, सो हम अगेन हर्ट में 10 को डिस्कार्ड कर देते हैं, किंग को होल्ड कर लेते हैं इस बारी, क्योंकि ये बंदा फॉलो तो कर नहीं रहा था, इस वजह से हमने किंग को होल्ड रखा है। ओके हर्ट एस पिक नहीं करेंगे, क्लोट ऐसे कार्ड पिक करते हैं, हमारे पास डायमंड 5 आता है, सो रख लेते हैं, एंड स्विस में किंग को डिस्कार्ड कर देते हैं इस बार,
और देखो गाइस क्लब किंग कहाँ पे निकल रहा है भाई साहब, जो भी हमको चाहिए था क्लब फोर। सो फाइनली गाइस हमारे पास रिस्ट 7 आ चुका है, तो हमारी सीक्वेंस रेडी हो चुकी है। 3-3 का हम सेट अरेंज कर लेते हैं एंड 5-5 का भी सेट अरेंज हो जाएगा। सो हम निकाल देते हैं क्लब में 7 को। देखो गाइस डिक्लेयर करने के लिए ओनली सिंगल कार्ड चाहिए। किंग तो निकल चुका है, क्लब में जे आ सकता है, स्पेस में 6 आ सकता है, 10 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है हर्ट में। ओके हर्ट किंग, ये बंदा कुछ ज़्यादा ही प्रो है। अगर हमने डिक्लेयर किया ना तो ये बंदा जरूर एलिमिनेट हो सकता है। ओके क्लब 3 आ चुका है, सो हम निकाल देते हैं क्लब क्वीन को। ओके किंग निकल चुका है, सो हम क्वीन को डिस्कार्ड कर देते हैं इस वजह से। और फाइनली गाइस ये बंदा डिक्लेयर कर देता है और हमारे 2 पॉइंट लग जाते हैं, लेकिन 100 पॉइंट वाला बंदा डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इस बंदे के पास जोकर नहीं होता और ये बंदे के पास सीक्वेंस भी अरेंज A1 नहीं थी और ये बंदा डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। सो गाइस अगेन कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, डिस्वरी कार्ड देखो गाइस ओनली इनवैलिड कार्ड है। सो बेसिकली हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं एंड इसी के साथ बैट स्किप हो जाती है और इस बंदे के पास भी इनवैलिड कार्ड थे। अगर हम रिस्क लेते तो शायद कुछ हो सकता था, बट अब क्या कर सकते हैं। चलो कोई ना, अगर हम इसके पास अच्छे कार्ड होते और ये बंदा सेकंड या थर्ड टर्न में डिक्लेयर करता तो हमारे लग सकते थे। चलो कोई ना, सो गेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं एंड इस बार हमारे पास 1 जोकर है। ओपन ऐसे कार्ड पिक करते हैं, एक और जोकर आ चुका है तो हम प्ले कर लेते हैं और ये बंदा ड्रॉ कर देते हैं सवार। एंड गाइज ये बंदा हमें स्प्लिट प्राइस की रिक्वेस्ट सेंड करता है, सो हम इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि हम लेना चाहते हैं फर्स्ट रैंक। अगर हमारे पास अच्छे कार्ड नहीं आए और हम सर्वाइव कर पाए तो हम कर सकते हैं स्प्लिट प्राइस, अदरवाइज हम नहीं करेंगे क्योंकि हम एक राउंड और चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास इस बार अच्छे कार्ड आते हैं या फिर हम एलिमिनेट होते हैं। सो गाइज अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इस बार कार्ड देखो गाइज प्योर सिक्वेंस है और एक जोकर आ चुका है ओपनर से हमारे पास। सो हम ले तो करना बनता है, सो हम हर्ट में एस डिस्कार्ड कर देते हैं और ये बंदा हर्ट एस को पिक कर लेता है। आई थिंक सेट रेंज किया होगा या फिर सिक्वेंस। ओके हर्ट 9 आ चुका है, हमारी सीक्वेंस रेडी हो चुकी है। सो अब हम निकाल देते हैं क्लब में 8 को क्योंकि हमारे पास अगर हर्ट में क्वीन या फिर डायमंड में क्वीन आती है तो हम सेट अरेंज कर लेंगे। और ये बंदा स्पिरिट्स में 5 डिस्कार्ड करता है, पिक नहीं करेंगे, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं और हमारे पास आ चुका है क्लब में किंग। सो हम निकाल देते हैं डायमंड में 6 को। ओनली डिक्लेयर करने के लिए 1 वैलिड कार्ड चाहिए गाइस, डायमंड क्वीन या फिर हर्ट क्वीन। ओके ये बंदा डायमंड 4 डिस्कार्ड करता है, पिक नहीं करेंगे, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं एंड हमारे पास डायमंड 8 आ चुका है। तो हम डायमंड 8 को रख लेते हैं एंड अब हम निकालेंगे डायमंड में किंग को क्योंकि डायमंड किंग के अकॉर्डिंग बंदा क्वीन निकाल सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा जिस हिसाब से बंदा प्ले कर रहा है। ओके स्पिरिट्स 5, चलो कोई नहीं, हम क्लोड ऐसे ही कार्ड पिक करते हैं गाइस। हमारे पास डायमंड 2 आ चुका है, सो अब कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें। सो अब तो हमें निकालनी पड़ेगी क्वीन, सो हम निकाल देते हैं क्लब में क्वीन या फिर स्विस में क्वीन। सो हम स्विस में क्वीन को डिस्कार्ड कर देते हैं और ये बंदा पिक कर लेता है स्पिरिट्स क्वीन को ही। अभी हम सोच रहे थे कि ओके ये बंदा हर्ट 5 डिस्कार्ड करता है, सो मैं हर्ट 5 पिक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे डिक्लेयर करने से पहले सर्वाइव करना है। ओके ये बंदा स्पिरिट्स में क्वीन पिक कर लेता है और हम क्लब क्वीन अगेन डिस्कार्ड करते हैं और पिक नहीं करता। और देखो गाइस ये बंदा जोकर डिस्कार्ड कर देता भाई, भाई साहब खतरनाक बंदा, बहुत ही चालाक है। हमारे पास स्पिरिट 6 आ चुका है, सो हम इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं
और फाइनली गाइस ये बंदा क्लोड ऐसे कार्ड पिक करता है और इसी के साथ डिक्लेयर कर देता है, और हम यहाँ पे 9 पॉइंट लग के 99 पॉइंट हो चुके हैं। और ये बंदा अगेन हमें स्प्लिट प्राइस की स्क्वायर सेंड करता है, सो हम इस बार एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते लॉस होना, सो हम इस बार एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।